इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दोनों बातें पढ़ लेने के बाद इस चैप्टर की समाप्ति करते हुए डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। हेडिंग डाल के डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन और डिवाइड कर देंगे, यानी देंगे इंटरफेरेंस और यानी देंगे डिफ्रैक्शन। नंबर वन, बड़ा आसान होता है जो आपने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अलग अलग पढ़ लिया तो बड़ा आसान है, एक फॉर्मेलिटी रहेगी बस, पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक दो दो नंबर में ये चीज आती है अक्सर। इंटरफेरेंस में क्या लिखोगे, जरा रफ कॉपी लेके बैठना, हाथ तो हाथ लिखना पड़ेगा, तब जाके फेयर में दर्ज एंड सेंड टू मी। इंटरफेरेंस इज टेक प्लेस by two waves, yes, take place by superimposing of two waves coming from two coherent sources. देखिए इसमें लिखा जाएगा, diffraction is take place due to superposition between waves starting from same wave front. आ गया यार सारा, एक ही वेव फ्रंट था ना वो, इसलिए बीच बीच में सारे वहीं से आए थे सारी सारी वेव्स। डिफ्रैक्शन इज टेक प्लेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम वेव फ्रंट्स। ओके, दूसरी बात, विड्थ के बारे में अपना भी समझ जाए, डिफ्रैक्शन में तो सेंट्रल फ्रिंज ही मैक्सिमम बने ना, तो फ्रिंज विड्थ सेम हो ही नहीं सकती। परंतु YDSC को ध्यान करें, फ्रिंज विड्थ सिद्ध हो चुकी थी कि कांस्टेंट विड्थ की बनती है। इसके लिए अगर फ्रिंज विड्थ ऐसे में बन रही है तो इसको थोड़ा सा कर्नेस करना पड़ सकता है, अगर फ्रिंज दूर तक जा रही है, नहीं तो स्प्रेड हो जाते हैं साइड साइड वाली, यानी कि YDSC में फ्रिंज विड्थ सेम होंगी नहीं भी हो सकती, इसके ऊपर डिपेंड है, परंतु डिफ्रैक्शन में तो सेम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ मे और मे नॉट सेम, डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ नेवर सेम, फ्रिंज विड्थ्स आर नेवर सेम। थर्ड बात पॉइंट करें, YDSC में जितने भी फ्रिंज विड्थ बनती थी, नोट करो साथ साथ, नोट करते रहो नहीं तो नहीं हो पाएगा, फ्रिंज विड्थ में सॉरी YDSC में ब्राइट फ्रिंज जहां जहां बनती थी उनकी इंटेंसिटी बिल्कुल एक जैसी होती थी, जबकि डिफ्रैक्शन में केवल सेंट्रल फ्रिंज की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है, बाकी कम होती चल जाती है। ओके, इसके बारे में लिखना है आपको, इंटेंसिटी इंटरफेरेंस फ्रिंज इंटेंसिटी एट ईच ब्राइट फ्रिंज आर सेम, इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमम इज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस अवे फ्रॉम इट, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम इट। और चाहो तो इसी के पॉइंट थ्री के साथ ही ग्राफ भी बना देना। Intensity, distance, intensity, distance. Okay, point के साथ ही बना दो। ग्राफ बनने से जगह भी घिरती है, सत्य भी होता है और अच्छा भी होता है। नंबर फोर, प्यारे बच्चों,
YDSC में या इंटरफेरेंस में कोहेरेंट सोर्स लिए गए थे, इसलिए डार्क फ्रिंज बिल्कुल ब्लैक बनती थी, और ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज में देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट। जबकि डिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हो, यहां सवाल ही पैदा नहीं। ओके, तो क्या लिख देंगे? इन दिस पैटर्न देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, और इसके पैरल यहां पे देयर इज पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज। ये पॉइंट प्यारे बच्चों पर्याप्त हैं। ओके, इसके साथ ही वेव नेचर सीबीएसई वालों बच्चों के लिए समाप्त हो जाता है। एक आर्टिकल है रिजॉल्विंग पावर, जो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में था, और यहीं पे इसकी समाप्ति कर देनी चाहिए। तो इसी वीडियो में रिजॉल्विंग पावर ये सीबीएसई वालों के लिए डिलीटेड सिलेबस में है, जबकि इसकी नॉलेज अति आवश्यक है। इसलिए मैं चाहता हूं आईएससी वाले बच्चे तो इसको करेंगे करेंगे, उन्हें तो करना ही करना है, सिलेबस में है उनके, परंतु सीबीएसई वाले बच्चे इसको अवश्य करें, और अंडरलाइन ऊपर भी और नीचे भी लिख देना नॉट इन सिलेबस, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करते हुए आप उसमें ध्यान ज्यादा ना दें। इसमें ध्यान देना जरूरी है, और आने वाले वक्त में सिलेबस आ भी सकता है, टर्म टू के एग्जाम से पहले पहले सिलेबस में आ भी सकता है। ओके, इसलिए अवश्य देखें सारे बच्चे। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिस्टमैटिक सुनना और नोट्स हाथों हाथ बनाते रहना। जितने ज्यादा नोट्स मेरे पास आते हैं, उतनी मेरी ताकत बढ़ती है आगे पढ़ाने के लिए। टेलीस्कोप की बात करें तो दूर दो तारे बिल्कुल क्लोज हैं, और हम टेलीस्कोप की सहायता से उनको बड़ा करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, दो स्टार्स को बड़ा करके देखना और उनको डिस्टिंक्टली अलग अलग करके देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड वी वांट टू सी देयर लार्ज इमेज एज वेल एज डिस्टिंक्टली सेपरेटेड। इमेज को डिस्टिंक्टली सेपरेटेड करके दिखाने की जो एबिलिटी है इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। माइक्रोस्कोप दो ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल ही क्लोज है उन्हें बड़ा करके तो दिखा देगा, पर उन्हें अलग अलग करके सेपरेटली दिखा पाएगा या नहीं, ये एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज लार्ज एज वेल एज इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ओके, तो क्लोज ऑब्जेक्ट्स, अब चाहे वो क्लोज दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि दो स्टार्स क्लोज तो हो नहीं सकते वास्तव में, हम यहां से दिखाई दे रहे हैं क्लोज, या दो ऑब्जेक्ट्स वास्तव में क्लोज हो माइक्रोस्कोप पर्पस से, ठीक है, तो दोनों ही केस में तो आप क्या लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर हैंड डालने के बाद? लिसन केयरफुली एंड राइट जस्ट नाउ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब जो जो मैं बोलता जा रहा हूं सिस्टमेटिक एक चैन है, ध्यान पूर्वक उसको सुनते रहना, ध्यान पूर्वक, और हाथ तो हाथ नोट्स बनाते रहना।
नेक्स्ट हेडिंग लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन क्या होती है, ये आप सेपरेटली अलग अलग पढ़ें, क्योंकि ऑप्टिकल केस में क्लोज ऑब्जेक्ट्स वास्तव में क्लोज नहीं है और माइक्रोस्कोप केस में क्लोज ऑब्जेक्ट वास्तव में ही क्लोज है। इसे लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन अलग अलग पढ़े, टेलीस्कोप की अलग, माइक्रोस्कोप की अलग। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप में आप बिल्कुल फिक्स हो गए, सुदूर टू स्टार्स की बात की जा रही है। ओके, ये टेलीस्कोप, ये अंडरस्टूड है कि आंख यहां रही होगी आईपीस में और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है, जितने भी डेरिवेशन कराए गए थे आईपीस इधर रखे हुए थे, आप इधर रखना था इधर बनो, क्या जा रहा है, हमेशा ही ऑब्जेक्टिव इधर बनाया गया था ना, तो ये लो जी कोई बात नहीं, ये आईपीस वगैरह था छोटा। टू स्टार्स इज लार्ज डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है उसे छोड़ दो, वो क्लोज नहीं है, reappears close and this angle, एक तरह का ये विजुअल एंगल भी हुआ, परंतु किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, ये उनके बीच की डिस्टेंस के लिए हुआ। प्यारे बच्चों, ये एंगल न्यूनतम न्यूनतम टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पर या टेलीस्कोप पर क्या फर्क पड़ा इसकी डिस्टेंस पे, इसकी लार्ज डिस्टेंस को देखते हुए, कुछ भी करो, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के द्वारा टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे बनाया जाने वाला वो एंगल न्यूनतम कम से कम, जिससे कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स उस टेलीस्कोप के द्वारा डिस्टिंक्टली सेपरेट उनकी इमेज दिखाई दे सके, न्यूनतम है, अर्थात इससे अगर कम हो जाए जरा सा भी तो ये टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके तो दिखा देगा परंतु सेपरेटली डिस्टिंक्टली सेपरेट नहीं दिखा सकता, मैं ओवरलैप करते रहे। ओके, ये कहलाते लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, ढंग से चाहो तो दोबारा सुन सकते हो, एंड लिखेंगे क्या, लिसन नाउ एंड राइट साथ साथ, ये तो आपने हैंड डाल दी तो दोबारा नहीं होती, इट इज लिख सकते हो लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप, इसके नीचे इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय दोज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विद सबटेंड, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय दोज टू ऑब्जेक्ट्स विच आर सीन डिस्टिंक्टली सेपरेट बाय टेलीस्कोप सबटेंड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, बात यह आनी चाहिए, लिसन वन टाइम्स वन मोर, इट इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बाई दोज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच आर टू सीन डिस्टिंक्टली सेपरेटेड बाय दिस टेलीस्कोप। ओके, इट इज डिफाइंड एज द, एक बात और गलत हो रही, मिनिमम नहीं लिखा बोला जा सर, मेरे मिनिमम नहीं बोला दोनों बार, तो लिसन फाइनल टाइम, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल सबटेंड एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप बाय दोज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स विच हैज टू बी सीन डिस्टिंक्टली सेपरेटेड बाय दिस टेलीस्कोप। 100% करेक्ट, सब कुछ सही सही आ गया इसमें। ओके,
इसके बाद इसी के लिए लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन अल्फा प्रोपोर्शनल टू हटा दो, सीधा सीधा कोशेंट रखो 1.22, लैम्डा अपॉन डी, डी इज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टेलीस्कोप। ओके, एक बात बड़े ध्यान पूर्वक मेरी सुने, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। टू स्टार्स के लिए लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन है 2 मिनट्स, मिनट जानते हो, 1 डिग्री में 60 मिनट यानी एंगल, 2 मिनट्स यह है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। अर्थात उसका एंगल 2 मिनट से जरा सिर्फ कम हो गया तो फिर वो अलग अलग करके नहीं दिखा पाएगा, 2 मिनट्स। और एक और टेलीस्कोप है उसके लिए उन्हीं 2 स्टार्स को देखने के लिए लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन है 1 मिनट। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ? सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्हें इतने क्लोज हैं कि 1 मिनट एंगल है उनका, एंगुलर यहां पे एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो उन्हें भी अलग अलग करके दिखाने में सक्षम है। आई बात समझ? जिसका लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन कम 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 है, अर्थात वो इतने कम 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 यानी इतने क्लोज 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 को भी अलग अलग करके दिखाने में सक्षम है, यानी ज्यादा शक्तिशाली है। तो लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन जितनी कम, रिजोल्विंग पावर उतनी ज्यादा। ओके, तो आप चाहते हो ये पावरफुल हो, अर्थात इसकी लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन कम से कम हो, अर्थात ये हो कम से कम, अर्थात डी हो ज्यादा से ज्यादा। इट इज ए आल्सो रीजन टू टेक ए लार्ज साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टेलीस्कोप। ओके, बात करते हैं लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें ये हुआ होता था, आईपीस यहां होता था, ये ऑब्जेक्ट, अब बिल्कुल पास में क्या फोकस को भी पार करके रखा जाता था ऑब्जेक्ट, ये 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा एस। वही बात है, बस ध्यान रखने वाली बात है कि इस वक्त माइक्रोस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप क्या करता है। माइक्रोस्कोप टू क्लोज, छोटे माइन्यूट और क्लोज ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाएगा, वो ने डिस्टिंक्टली सेपरेट कर सके कि नहीं कर सकता। ये कम से कम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, योर माइन्यूट ऑब्जेक्ट, जिनको कोई माइक्रोस्कोप बड़ा करके तो दिखाएगा ही दिखाएगा, उन्हें डिस्टिंक्टली सेपरेट करके भी दिखा सके, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। मिनिमम कहने का तात्पर्य अगर इससे कम हो जाए तो फिर वो इसको बड़ा तो कर देगा, डिस्टिंक्टली सेपरेट करके नहीं दिखा पाएगा, ओवरलैपिंग रहेगी। ओके, क्या लिखेंगे इसमें? इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 ऑब्जेक्ट्स विच हैज टू बी सीन डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज बाय माइक्रोस्कोप। ओके, डेल्टा एस इज इक्वल 1.22 लैम्डा अपॉन कौन एंगल, एक्चुअली ये तो एक ही पॉइंट हो गया ना, बहुत कम डिस्टेंस हो गया, तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जितना एंगल इसमें बना रहा है, अगर या ये ले लो इसको खड़े में कर लो यूं करके, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गए दोनों,
दिस इज कोन एंगल, अगर ये थीटा है या कोन एंगल लिख दो सीधा, कोन एंगल, अगर इस एंगल को आप थीटा से ऊपर दो तो ये 2 थीटा हो जाएगा, 1.22 लैम्डा अपॉन 2 थीटा को ब्रैकेट में लिख देना, काटने से कंफ्यूजन हो जाएगा, काटना मत, इसलिए वर्ड ध्यान रखो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ही प्यारे बच्चों इतना भी ध्यान रखें कि एक माइक्रोस्कोप के लिए, एक माइक्रोस्कोप ये है और एक माइक्रोस्कोप ये है, इसका लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन है 0.001 मिलीमीटर और इसका 0.001 मिलीमीटर, दोनों माइक्रोस्कोप, कौन ज्यादा शक्तिशाली हुआ? जाहिर है आपको लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन का मतलब डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन होती है कम से कम डिस्टेंस जिसको अलग अलग करके दिखा सके, ये तो इतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखाने में सक्षम है, परंतु ये और क्लोज हो गए, इनको भी अलग अलग करके दिखाने में सक्षम है, ये ज्यादा पावरफुल है। लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन जितनी कम, पावर उसकी उतनी ज्यादा। ओके प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये वीडियो खत्म होने को जा रही है, इसलिए और कमर सीधे करके और कंसेंट्रेशन के साथ इसकी वीडियो की समाप्ति करें। टेलीस्कोप वाले केस में आतीवी रेज का लैम्डा चेंज करने में हम सक्षम नहीं है, परंतु माइक्रोस्कोप केस में, माइक्रोस्कोप केस में इन ऑब्जेक्ट्स को किस लाइट से इल्यूमिनेट करना है ये हमारे हाथ में है, अर्थात लैम्डा हमारे हाथ में है। ओके हम चाहेंगे माइक्रोस्कोप पावरफुल हो, अर्थात लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन कम से कम हो, अर्थात लैम्डा कम से कम हो, हाई रिजोल्विंग पावर, लो लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, मिनिमम लैम्डा इज रिक्वायर्ड। मैं थक गया बताता 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक विप्योर विजिबल लाइट होती है, और यहां सिद्ध हो गया कि लैम्डा शुड बी मिनिमम। सो ये तो कम मात्रा में होता है, ब्लू होती मेजर पार्ट में, तो ब्लू लाइट से इसको इल्यूमिनेट किया जाएगा। ओके इन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय ब्लू लाइट बिकॉज इट्स वेवलेंथ इज स्मॉल, सो इट्स लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज आल्सो स्मॉल, सो रिजोल्विंग पावर बिकम्स हाई। ओके और सबसे अंत में प्यारे बच्चों, इसी से लगता हुआ पार्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का काम है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट्स को कैसे इल्यूमिनेट किया जा रहा है? साधारण लाइट को देखो तो ब्लू लाइट से उसको इल्यूमिनेट किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अगर इसको कैथोड रे से, इलेक्ट्रॉन बीम से इल्यूमिनेट किया जाए तो 4000 से 8000 का एवरेज लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, और 4-5 के आसपास ही लाइट जो हम जिससे इल्यूमिनेट करते हैं नॉर्मल लाइट, परंतु कैथोड रेज 1 एंगस्ट्रॉम इसकी वेवलेंथ होती है, और 1 यानी कि लगभग 5000 गुना कम होगी लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन।
ये 5000 गुना कम होने से लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 5000 गुना कम हो गया, अर्थात रिजोल्विंग पावर 5000 गुना ज्यादा होगी। सच माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको यूं करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आता सीधा, और न्यूक्लियस तक इसमें दिख जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैंड डाल के इन दिस माइक्रोस्कोप क्लोज एंड माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन बीम। इट्स वेवलेंथ इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, ऑलमोस्ट 5000 टाइम्स स्मॉल देन विजिबल लाइट। सो इट्स रिजोल्विंग पावर बिकम्स अबाउट 5000 टाइम्स स्मॉल या डिक्रीज, एंड सो इट्स पावर बिकम्स अबाउट 5000 टाइम्स लार्ज। ओके, यस, इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके साथ ही इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, और इसके साथ ही वेव नेचर CBSE और ISC सब के लिए समाप्त। अगली वीडियो में पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अति शानदार, अति इंटरेस्टिंग और अति महत्वपूर्ण आपके लिए है। रेडी फॉर दिस एंड गुड नाइट।